वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आलू चाट सैंडविच। ऐसे ही मन में आया कि चलो आलू की चाट बनाते हैं और उसके सैंडविच बनाते हैं, कि कुछ चेंज करते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। इंग्रेडिएंट्स मैं बीच बीच में बताती रहूंगी। पहले मैंने सबसे पहले दो उबले हुए आलू को काट लिया है, बारीक काट लिया है। ऑयल को हमने गर्म होना रख दिया है। ये देखिए तैयार हो गया है। इसमें हम ये धीरे से सारे आलू जो है वो डाल देंगे और इनको हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मैंने अभी कुछ पकोड़े बनाए थे तो सोचा आपसे ये रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि ये मेरा तेल जो है वो गर्म था, बना हुआ था, आलू मेरे पास थे, तो मुझे लगा चलिए जल्दी से आपको चाट वाले सैंडविच बनाकर दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। ये देखिए आलू फ्राई होकर टेस्टी लगते हैं बहुत, तो हम इनको बीच बीच में चेक करते रहेंगे और इनको हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे। हम चेक करते हैं, ये देखिए हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है और हमें थोड़ा क्रिस्पी करना है। पके हुए ये हैं अंदर से, बस थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए या तो आप शैलो फ्राई कर लें या आप डीप फ्राई कर लें। ये देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इस समय हमें पूरा ध्यान रखना है इसका। देखिए अब ये तैयार होना शुरू हो गए हैं, हमें इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं हमें करना है। पीसेस आप छोटे बड़े अपने हिसाब से कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए हम इनको सबको निकाल लेंगे, कितने बढ़िया लग रहे हैं ये। अब ये देखिए आलू हमने ऐसे निकाल लिए हैं, ठंडे हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास ये चार होल व्हीट ब्रेड हैं, चार पीस होल व्हीट ब्रेड के हैं। आप कुछ भी कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, व्हाइट ले सकते हैं, होल व्हीट ले सकते हैं। ये हमने इमली की बनी हुई चटनी है हमारे पास, क्योंकि चाट है तो चटनी के बिना इसमें मजा आने वाला नहीं है। और ये है एक कटा हुआ बारीक प्याज, कटा हुआ हरा धनिया, एक कटी हुई मिर्च, जो अब हम इसमें आलू में मिला देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे लगने वाले हैं ये। इसमें डालेंगे अब थोड़ा सा हम ये भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच घर का भुना हुआ जीरा है, इसको डालेंगे हम। और ये मैं बताना चाहूंगी, थोड़ा काला नमक है, टेस्ट के हिसाब से सफेद नमक है, दो पिंच अमचूर है, हालांकि हम चटनी डाल रहे हैं ऑप्शनल है, चाट मसाला है 1/4 टीस्पून और रेड चिली पाउडर है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इनको हम इसमें मिक्स करेंगे, ये आप ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है। ये देखिए इस टाइप से तैयार हो गया है। अब हम इसमें लेंगे ये दो चम्मच या एक चम्मच हरी चटनी, चाट है भाई तो हरी चटनी डालेंगे हम, और एक चम्मच हम इसमें ये डालेंगे इमली की चटनी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इमली की चटनी ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा इमली की ऐड कर दीजिए, हरी ज़्यादा पसंद है तो हरी चटनी ऐड कर दीजिए। और अब हम डालेंगे इसमें ये नाइलॉन भुजिया, नाइलॉन सेव बारीक वाली, आपके पास कोई भी नमकीन है आप उसको ऐड कर सकते हैं। तवा गर्म हो गया है, इस पे हमने घी या बटर या ऑयल जिसमें भी आप करना चाहें उसमें हम ये ब्रेड सेक लेंगे, अच्छी क्रिस्पी करेंगे। ये पलट के देखेंगे, ये देखिए क्रिस्पी होने लग गई है। जितना आपको क्रिस्पी करना है उतना आप इसको सेक लें ब्रेड को। ये देखिए अब, ये देखिए अब हम इस पर अपनी ये चाट रखेंगे, आलू वाली चाट, चारों तरफ अच्छे से फैलाएंगे।
ये देखिए अच्छे से हमने इस पे चाट डाल दी है। थोड़ी सी और हम इस पे ये नमकीन स्प्रिंकल करेंगे और ऐसे इसको पैक कर देंगे। तब तक ये गरम ही रहे, ऐसे ही है रहे। और अब हम इसको निकाल लेंगे, प्लेटिंग करते हैं। तो इनको करते हैं हम कट। और ये देखिए आशा है आपको बहुत पसंद आएंगे ये मेरे सैंडविच। आपने पहले भी मेरे एक सैंडविच बहुत पसंद किए हैं जो टमाटर प्याज के सैंडविच हैं, और ये बहुत आसान है, हर कोई घर में बना सकता है बिना सैंडविच मेकर के, तवे पर ही। और आप आलू चाहें तो बिना फ्राई करके भी डाल सकते हैं अगर आप कुछ इस तरह का खाना चाहते हैं। तो देखिए कितने यमी से सैंडविच बनकर तैयार हैं। एक चाट है, ब्रेड सैंडविच है, प्लस साथ में चाट है। चलिए देखिए सैंडविच चाट के साथ और बढ़िया चटनी के साथ कैसे भी खाइए, बट मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको भी उसी सैंडविच की तरह प्यार देंगे जैसा आपने प्याज और टमाटर के सैंडविच को दिया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।